Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ मैं जिस विषय को आपके सामने लाई हूँ उस विषय का नाम है प्रबंधन प्रक्रिया और संगठनात्मक व्यवहार तो आगे देखते हैं कि इस व्याख्यान में हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी तक हमने प्रबंधन की अवधारणा के बारे में समझा उसके विकास के बारे में समझा अब हम थोड़ी सी नजर डालना चाहेंगे कि प्रबंधकों की सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिकता में प्रबंधन यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स एंड एथिक्स इन मैनेजिंग तो आज का हमारा व्याख्यान इसी टॉपिक पर है तो चलिए देखते हैं कि इस सत्र इस सत्र के अंत तक आप किन चीजों में सक्षम होंगे इस सत्र में हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वह है सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अवधारणा को समझेंगे हम साथ ही साथ आज के कारोबारी माहौल में सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व को जानेंगे विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व रणनीतियों और सामाजिक अंकेषण यानी कि सोशल ऑडिट के कंसेप्ट को भी समझेंगे हम इसमें साथ ही साथ हम जिस पर बात करने वाले हैं आज के व्याख्यान में वह होगा व्यावसायिक नैतिकता यानी कि बिजनेस एथिक्स हम उसके कॉन्सेप्ट की समझ को विकसित करेंगे साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि व्यवसाय के प्रबंधन में नैतिकता किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो छात्रों चलिए देखते हैं और समझते हैं कि क्यों सामाजिक उत्तरदायित्व एक व्यवसाय के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज है साथ ही साथ जब हम कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें हमारी नैतिक जिम्मेदारियों की क्या विशेषता है या क्या रोल है उसको भी समझते हैं तो सबसे पहले अब हम जिसके बारे में बात करेंगे वह है सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जोसेफ डब्ल्यू मैक्यूअर के शब्दों में सामाजिक जिम्मेदारियों का विचार यह मानता है कि व्यापार के ना केवल आर्थिक और कानूनी दायित्व हैं बल्कि समाज के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो इन दायित्वों से परे हैं जोसेफ जी का कहना था कि बहुत बार ऐसा ही होता है कि जो एक व्यवसाय होता है वह सिर्फ और सिर्फ अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों के बारे में आर्थिक दायित्वों के बारे में जिसमें वो सिर्फ प्रॉफिट लाभ की बात करता रहता है वह यह भूल जाता है कि वह अपना व्यवसाय चला कहाँ रहा है वह अपना व्यवसाय चला रहा है एक समाज में और जब वह एक व्यवसाय चलाता है तो वह समाज से बहुत सारी चीजें लेता है चाहे वो संसाधनों के रूप में हो चाहे वो मानव संसाधन हो चाहे वह गैर मानव संसाधन हो चाहे वो पैसा हो जमीन हो आप कितने भी संसाधनों की बात करिए कहीं ना कहीं से जब हम बात कर रहे हैं कि एक इंसान एक व्यवसाय खोलता है तो व्यवसाय वो खोलता है समाज में रहते हुए तो इसलिए जब वह सामाजिक चीज़ों का इस्तेमाल करता है अपने व्यवसाय को चलाने के लिए तो यह उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वह समाज के प्रति अपने सोसाइटी के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व कुछ जिम्मेदारियों को निभाए साथ ही साथ मैं कीथ डेविस के शब्दों में आपको बताना चाहूँगी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारियों का तात्पर्य है कि व्यवसायियों के निर्णय और कार्य कम से कम आंशिक रूप से फर्म के प्रत्यक्ष आर्थिक या तकनीकी हित से परे कारणों के लिए लिए जाते हों। तो सिर्फ और सिर्फ हमें आर्थिक जिम्मेदारी की बात नहीं करनी हमें सिर्फ यह नहीं सोचना कि लाभ कैसा होगा लाभ किस प्रकार से हो हमारे व्यवसाय को हमें यह भी सोचना है कि हम बदले में अपने समाज को क्या दे पा रहे हैं उसके लिए क्या कर पा रहे हैं हम वातावरण के लिए पर्यावरण के लिए क्या कर पा रहे हैं अपने लोगों के लिए कर्मचारियों के लिए क्या कर पा रहे हैं हम उस समाज में रहने वाले लोगों के लिए क्या कर पा रहे हैं अपने हम ग्राहकों के लिए क्या कर पा रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए क्या कर पा रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है तो जब हम सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो इसको एक प्रबंधन की अवधारणा के रूप में विकसित किया गया है यानी कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इसी के साथ साथ इसमें हम इसकी भी बात करते हैं कि जितनी भी कंपनियां हैं वे अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ सामाजिक और पर्यावरण संबंध चिंताओं को उनके हितधारकों के साथ एकीकृत करती हैं उसे ही हम सामाजिक जिम्मेदारी कहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि सामाजिक दायित्व को निभाने के कारण क्या हैं रीजन टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस क्यों कोई व्यवसाय क्या कारण है उसके पीछे कि कोई व्यवसाय सामाजिक दायित्वों को निभाता है तो चलिए सबसे पहले जिस कारण की मैं बात करूंगी वह है लोभ आप कहेंगे लोभ हां तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं सामाजिक दायित्वों को निभाने की जब कोई व्यवसाय बात करता है सामाजिक दायित्वों को निभाने की तो उसके अंदर उसका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट भी है उसका खुद का लोभ भी है सोच के बताइए एक बार सोच के देखिए कि क्या लोभ हो सकता है उसका उसका लोभ हो सकता है कि जब वह समाज के लिए कुछ कर रहा है तो उसकी एक अच्छी छवि बनती है साथ ही साथ सिर्फ छवि की बात नहीं है जब आप इस तरीके की प्रक्रियाओं को अपने व्यवसाय में लाते हैं जहां पर आप पर्यावरण की बात कर रहे हैं जहां पर आप अपने लोगों को खुश करने की बात कर रहे हैं आप आसपास के लोगों को खुश करने की बात कर रहे हैं अपने ग्राहकों को खुश करने, कर करने की बात कर रहे हैं तो सोच के देखिए जब ये जो आपके आसपास के लोग हैं ये जब खुश होंगे तो क्या होगा आपका व्यापार आगे बढ़ेगा यह लोग आपको ज्यादा से ज्यादा व्यापार देंगे और जब ये आपको ज्यादा से ज़्यादा व्यापार देंगे तो ये क्या हुआ कहीं ना कहीं कोई, कोई व्यवसाय अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को इसलिए निभा रहा है क्योंकि उसे मन ही मन पता है कि ये है तो उसके फायदे की ही बात ये उसके लिए ही अच्छा साबित होने वाला है इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि क्यों कोई व्यवसाय या व्यापारिक सामाजिक उत्तरदायित्वों की बात करता है तो दूसरा कारण है व्यापार के लिए एक अच्छा वातावरण बनता है आप सोच के देखिए जब हम सामाजिक जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं तो हम अच्छे कार्य कर रहे होंगे हो सकता है हम कहीं पर पेड़ बचाओ आंदोलन चालू कर रहे होंगे या कहीं पर हम चाइल्ड लेबर को हटाने की बात कर रहे होंगे या कहीं पर हम फेयर वेजेस अच्छा वेतन अपने लोगों को देने की बात कर रहे होंगे या हम कहीं पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने उत्पादों के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे होंगे तो ये सब क्या है ये कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय का आपके संगठन का एक अच्छा वातावरण बनाता है एक सुखमय वातावरण बनाता है जिसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जो भी उससे जुड़ा हुआ है वह हमेशा चाहता है उससे जुड़े रहना क्योंकि एक अच्छे वातावरण का उदाहरण आप सबके सामने ला रहे हैं अपनी सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाते हुए साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यह सामाजिक समस्याओं का में भी योगदान देता है उनको हटाने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स जब हम सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं जैसा कि मैंने बोला कि आपके व्यवसाय ने एक ऐसा स्कूल खोला है जिसमें जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं जो समर्थ नहीं है अपनी फीस देने के लिए आप उनको पढ़ा रहे हैं तो आप सोच के देखिए आप समाज की कौन सी परेशानी कौन सी समस्या में योगदान दे रहे हैं आप लोगों को शिक्षित कर रहे हैं आप अशिक्षा हटा रहे हैं अपने समाज से तो आपके सामाजिक उत्तरदायित्वों के द्वारा आप समाज की समस्याओं का निदान करते हैं और सिर्फ यही नहीं जब हम बात कर रहे हैं इतनी सारी चीजों की तो आपके व्यापार की आपके व्यवसाय की जो छवि इमेज सबके सामने बनती है वह तो बड़ी ही सुखद होती है और उस इमेज जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर लीजिए जब हम टाटा का नाम लेते हैं टाटा कंपनी के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने दस चीजें आ जाती हैं जहां पर टाटा जी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझते हुए समाज के भले के लिए कार्य कर रहे हैं शायद आपका मन हो या ना हो टाटा कंपनी के साथ बिजनेस करने का लेकिन उसकी एक अच्छी छवि के कारण क्योंकि आपको पता है कि वे समाज के बारे में औरों के बारे में सोच रहे हैं शायद आपका मन बदल जाए और आप टाटा के साथ बिजनेस करें तो यह जब बिजनेस करने का निर्णय है यह आपने आर्थिक रीजंस की वजह से इकोनॉमिक रीजंस की वजह से नहीं लिया आपने लिया उनकी एक अच्छी छवि को देखते हुए और वह छवि कैसे बनी वह छवि बनी क्योंकि वह समाज के उत्तरदायित्व को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छे से निभा रहे हैं साथ ही साथ अगर हम बात करें कि और क्या कारण है कि व्यापार या व्यवसाय सामाजिक उत्तरदायित्व की निभाने की बात करते हैं तो अगला कारण है सरकारी हस्तक्षेप से बचना यानी कि अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं गलत चीजें कर, कर गलत चीज़ों में ना पड़े और गवर्नमेंट यानी कि सरकार का आपके लिए कोई कड़ा रुख ना हो तो आप अपने आप को अच्छी चीज़ों में लगाते हैं समाज की भलाई के कार्यों में लगाते हैं जिससे कि सरकार का भी इंटरफेरेंस हस्तक्षेप आपकी एक्टिविटीज में कम हो जाता है और कहीं ना कहीं इसमें छवि का भी एक बड़ा रोल है जिसकी वजह से ऐसा होता है साथ ही साथ नैतिक औचित्य के लिए प्रयुक्त संसाधन यानी कि रिसोर्सेज यूज फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन तो आप जो भी संसाधन इस्तेमाल करते हैं आपके पास एक नैतिक एक औचित्य नैतिक कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप उन संसाधनों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और लाभकारी हो जाता है तो शायद आप समझ पाए होंगे कि क्यों आज का व्यापारी या आज के व्यवसाय कहीं ना कहीं बात करते हैं कि हमें समाज के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करना है तो चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार की यानी कि टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हर व्यवसाय की अलग अलग प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी या आप यह भी कह सकते हैं कि कोई एक व्यवसाय एक संगठन अलग, अलग अलग प्रकार की सामाजिक दायित्वों को सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभा रहा है पूरा कर रहा है तो सबसे पहला प्रकार जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगी वह है परोपकारी जिम्मेदारी यानी कि फिलेंथ्रॉफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम परोपकारी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं तो आपने जैसे देखा होगा बहुत सारे संस्थाएं या बहुत सारे संगठन कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट स्टार्ट करते हैं दान पुण्य में अपना पैसा देते हैं गरीबों को खाना खिलाते हैं या जिन बच्चों के पास पढ़ने के पढ़ाई करने के संसाधन नहीं हैं, उनको पढ़ाई करवाते हैं ऑर्फनेज खोलते हैं वृद्धाश्रम खोलते हैं हॉस्पिटल्स खोलते हैं या उनमें अपना पैसा लगवाते हैं तो यह होती है परोपकारी जिम्मेदारी यानी कि फिलेंथ्रॉफिक जहां पर आप अपना उत्तरदायित्व अपनी जिम्मेदारी समझते हुए क्योंकि आप कुछ अच्छे कर्म करना चाहते हैं आप लोगों का भला करना चाहते हैं लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट खोलते हैं उस ट्रस्ट में आप पैसा देते हैं और वो ट्रस्ट का पैसा इस्तेमाल होता है लोगों की भलाई में चाहे वो लोगों को खाना खिलाने के लिए हो चाहे वो लोगों की पढ़ाई के लिए हो जो भी उनके पास संसाधन नहीं है आप कोशिश करते हैं कि आप उन संसाधनों को लेकर आए जैसे अगर मैं थर्मेक्स लिमिटेड की बात करूं तो उन्होंने पूना में कुछ स्कूल ऐसे खोले जहां पर स्लम एरिया के निचले स्तर के इनकम वाले बच्चे जिनके पास जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं था उनको पढ़ाने के लिए उनके लिए उन्होंने स्कूल खोला एक विद्यालय खोला जिसमें वह पढ़ सकते हैं तो यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार आप अपनी फिलिंथ्रॉफिक यानी कि परोपकारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं अब इसके बाद जिसकी मैं बात करूंगी वह होती है नैतिक जिम्मेदारी यानी कि एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो क्या सही है क्या गलत है जो चीजें नैतिक उसूलों के हिसाब से सही हैं हम उन जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं जैसे अगर उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं कि आपका व्यवसाय ऐसे लोगों के साथ व्यापार नहीं करता जो चाइल्ड लेबर को बढ़ावा देते हैं तो यह क्या हुआ यह है आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपने उन लोगों के साथ व्यापार नहीं किया जो लोग इस तरीके का या चाइल्ड लेबर का को बढ़ावा देते हैं या आप ऐसे लोगों के साथ व्यापार नहीं करते जो लोग जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं तो यह हुई आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नैतिक जिम्मेदारी जहां पर आपने अपने मॉरल वैल्यूज के बेसिस पर के आधार पर अपनी कुछ जिम्मेदारी समझी है कि क्या गलत है और क्या सही है आपने उसके कुछ मायने रखे हैं और उसके आधार पर आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी या नैतिक उत्तरदायित्व को पूरा कर रहे हैं साथ ही साथ इस पर अब मैं जो तीसरी जिम्मेदारी की बात करूंगी होती है पर्यावरण जिम्मेदारी यानी कि एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर उदाहरण के तौर पर आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या केमिकल इंडस्ट्री है तो आपके संगठन से या आपके व्यापारिक गतिविधियों से जो भी कुछ नुकसान पर्यावरण को हो रहा है वह ना हो आप इस तरीके की नीतियां लेकर आए कि जो वेस्ट आपके संगठन से निकलता है संगठन में होने वाले व्यापारिक गतिविधियों की वजह से निकलता है उसको आप सही तरीके से सही जगह पर डंप कर पाए जैसे अगर उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं टोयोटा ने क्या किया या एचपी ने क्या किया एचपी की बात करें तो उन्होंने अपने लैपटॉप के जिसमें लैपटॉप पैक होता है उन डब्बों की बात करी वो डब्बे रिसाइकलेबल बनाए वो ऐसे मटेरियल से बनाए जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है टोयोटा ने अपने कार की बॉडी उस मटेरियल से बनानी चालू करी जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है कुछ हद तक तो ये क्या हुआ ये व्यवसाय ऐसे थे जिन्होंने यह समझा कि हमारी कुछ जिम्मेदारी पर्यावरण पर्यावरण के लिए भी है अगर हम पर्यावरण को प्रदूषित करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं यह एक व्यक्ति के लिए एक समूह के लिए एक देश के लिए सबके लिए पूरे यूनिवर्स के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है तो यह होती है पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी कि आपने उत्तरदायित्व उठाया कि अब आप अपने व्यापारिक गतिविधियों को इस प्रकार करेंगे कि कम से कम प्रदूषण हो कम से कम इंपैक्ट प्रभाव नकारात्मक प्रभाव आपके पर्यावरण पर आए तो अभी जिस पर हमने बात करी हमने कहा कि परोपकारी दायित्व होना चाहिए साथ ही साथ नैतिक जिम्मेदारी भी होती है पर्यावरण के लिए भी उत्तरदायित्व होता है अब हम चौथी जिम्मेदारी की बात करेंगे यानी कि चौथे उत्तरदायित्व की बात करेंगे तो वह होता है आर्थिक उत्तरदायित्व यानी कि इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए किसी भी व्यापार की एक इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है अगर वह व्यापार सही ढंग से सही मायने में लाभ नहीं करेगा तो वह अपने कर्मचारियों को वेतन कैसे देगा या फिर एक और चीज समझिए जितनी भी बातें अभी मैंने थोड़ी देर पहले करी कि आप परोपकारी जिम्मेदारी निभाते हैं आप नैतिक जिम्मेदारी निभाते हैं आप पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी निभाते हैं इन सबको निभाने के लिए आपको क्या चाहिए आपको कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को भी पूर्ण रूप से पूर्णता करना होगा नहीं तो आप बाकी की जिम्मेदारियां भी अच्छे से नहीं निभा पाएंगे हाँ जब हम सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हम जो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या आर्थिक उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं वह हम इस प्रकार से करें जिस प्रकार से हमारे समाज को भी लाभ हो उसको कोई हानि ना पहुंचे तो चलिए विद्यार्थियों अब हम आगे जिस पर बात करेंगे वह है विभिन्न समूहों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व आपके आसपास ऐसे कौन कौन से समूह हैं जिनके लिए किसी व्यवसाय किसी व्यापार के उत्तरदायित्व होते हैं चाहे आप कोई भी बिजनेस उठाइए उनके आसपास उनके वातावरण में कुछ ऐसे समूह हैं जिनके प्रति हम जिम्मेदारी निभाते हैं तो सबसे पहला समूह होता है आपके शेयर होल्डर्स आपके इन्वेस्टर्स आप सोच के देखिए आपकी उनके प्रति क्या जिम्मेदारी है आपकी उनके प्रति यह जिम्मेदारी है कि आप उनको समय समय पर अपने व्यवसाय की लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की दशा बताते चले उन्हें हर उस मोड़ पर आप बताएं कि आपका व्यवसाय कैसे बढ़ रहा है या क्या उसमें हो रहा है यह इस और सही सही इंफॉर्मेशन सही सूचना देना आपकी जिम्मेदारी है बहुत बार बहुत से व्यापार सही सूचना नहीं देते क्यों नहीं देते क्योंकि वह चाहते हैं कि लोग अंधकार में रहें उनके शेयर होल्डर्स उनके इन्वेस्टर्स थोड़ा बहुत अंधकार में रहें वे सिर्फ और सिर्फ लाभ की बात उन्हें बताते हैं लेकिन हानि जिससे हो सकती है उसको वह छुपा जाते हैं तो यह किसी भी व्यापार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने इन्वेस्टर्स अपने निवेशकों अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल सही सूचना समय रहते समय समय पर वे देते रहें इसके अलावा दूसरा समूह जो है वो है आपके उपभोक्ता आपके ग्राहक आपके कंज्यूमर्स आपके कस्टमर्स अब आप इनके प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है इनके प्रति आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही मूल्य पर सही उत्पाद करें सही प्रोडक्ट बनाएं, सही सर्विस उन्हें दें और कहीं ना कहीं उनके लिए जो प्रोडक्ट जो उत्पाद या जो सर्विस आप उन्हें दे रहे हैं वह है उनके लिए वैल्यू फॉर मनी हो आप उनको गलत सामान नहीं दें जो चीजें जो प्रोडक्ट्स टॉक्सिक होते हैं उनको मार्केट में नहीं लेकर आए यह आपकी जिम्मेदारी है अपने ग्राहक को बेवकूफ ना बनाएं। अपने ग्राहक को सही सामान सही मूल्य पर सही अवस्था में उच उसको उचित करवाएं उसको प्रोवाइड करवाएं अब एक और समूह जिसके बारे में मैं बात करूंगी जो शायद किसी भी संगठन के लिए बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है और वह है उसका कर्मचारी उसके एम्प्लॉय आप सोचिए बहुत सारे व्यापारों के पास अलग अलग संसाधन होते हैं लेकिन अगर उसके पास अच्छे एम्प्लॉयज नहीं है तो क्या होगा वह व्यापार आगे नहीं बढ़ सकता तो साथ ही साथ किसी भी व्यापार की जिम्मेदारी बनती है बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है वहाँ के प्रबंधकों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने कर्मचारियों के लिए या अपने कर्मचारियों का उत्तरदायित्व उनकी जिम्मेदारी वह उठाएं उनको सही वेतन दें सही कार्य का ऐसा ना करें कि उनको से कार्य तो बहुत करवाएं लेकिन जब वेतन देने की बारी आए सुविधाएं देने की बारी आए तो आप उनमें कटौती कर दें साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कर्मचारियों की तो यह भी आप ध्यान रखें कि आपकी आपके संगठन में क्या प्रदर्शन मूल्यांकन स्पष्ट है क्या लोगों को समानता का एहसास होता है यह सब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है क्योंकि अगर इक्विटी और फेयरनेस नहीं है समानता नहीं है स्पष्टता नहीं है क्लैरिटी नहीं है तो इसका मतलब आप अपने उत्तरदायित्वों का सही रूप से निर्वाहन नहीं कर रहे हैं साथ ही साथ जब हम बात करते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व की तो एक समूह होता है आपका समाज आपके सोसाइटी जहां पर आपका व्यापार है व्यवसाय है उसके आसपास क्या समाज है क्या सोसाइटी है उनके प्रति आपका उत्तरदायित्व आपको कुछ ना कुछ अपने समाज के लिए करते रहना चाहिए हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि जब हम बात करते हैं समाज की तो आपको लगता होगा क्योंकि कर्मचारी क्या कर रहा है आपके लिए कार्य कर रहा है ग्राहक क्या कर रहा है ग्राहक आपके उत्पादों को सर्विसेस को खरीद रहा है इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं आपके व्यापार में निवेश कर रहे हैं अब आप कहेंगे कि समाज क्या कर रहा है आपके लिए समाज ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए हम कुछ करें तो आप सोच के देखिए जिनके बारे में अभी हमने बात करी वह सब कहाँ से आए और ये जरूरी तो नहीं कि जो लोग आपसे जुड़े हैं सिर्फ आप उन्हीं के बारे में सोचें आपका व्यवसाय चालू करने के लिए बहुत सारे अधिक बहुत सारे अलग अलग संसाधन होते हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि जहाँ पर जिस जगह आपने अपना व्यवसाय अपना व्यापार खोला है तो वहाँ के लोगों के बारे में क्योंकि आप सोच के देखिए आपने एक जगह पर अपनी बिल्डिंग बनाई शायद पहले उस बिल्डिंग की जगह एक हरा भरा वातावरण था उस जगह का तो आपने समाज से क्या ले लिया अपनी वो बिल्डिंग बना के आपने उससे ले लिए वहां के पेड़ वहां की अच्छी वायु आपने जो अपना बिजनेस के लिए बिल्डिंग बनाई जो मशीनें जो उपकरण आपने लगाए उसकी वजह से क्या स्टार्ट हुआ क्या चालू हुआ प्रदूषण होना अब वहां पे आसपास रहने वाले लोगों की क्या गलती है तो आपका उत्तरदायित्व बनता है उनके लिए भी कि जो आपने उनसे छीना है तो आप उनको किस प्रकार वापस करते हैं इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण समूह होता है वो होता है गवर्नमेंट यानी कि आपकी सरकार अब जैसे मैं उदाहरण दूं कि आपको आपके व्यापार को समय रहते समय समय पर अपने टैक्स अपने कर की पूर्ति करनी चाहिए जो भी सरकार नई नीतियां लेकर आ रही है उस नीतियों को अपने व्यवसाय में लाना चाहिए यह सब ही आपकी जिम्मेदारी है सरकार के प्रति तो मैं समझती हूं कि शायद आपको अब समझ आ पाया होगा कि ऐसे कौन कौन से समूह हैं आपके आसपास जिनके प्रति आपकी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सामाजिक जिम्मेदारी का महत्व क्या है क्या इंपॉर्टेंस है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो यह बेहद जरूरी है क्यों क्योंकि असल में आपके कर्मचारी आपके उपभोक्ता इसकी उम्मीद करते हैं उन्हें लगता है कि जिस व्यवसाय व्यापार के साथ वे जुड़े हुए हैं वह उनके बारे में भी उनके लिए भी सोचे आप देखिए ना जहाँ पर भी कर्मचारियों को ये पता होता है कि उनके सीनियर मैनेजर्स या उनका सीनियर मैनेजमेंट या उनके प्रबंधक या उनका उनका संगठन उनके बारे में सोचता है चिंता करता है उन्हें सही वेतन देता देता है उन्हें सब सुख सुविधाएं देता है तो वह आपके साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं आप उनसे सारा काम करवा सकते हैं अपने संगठन का बिना उन्हें प्रेरित किए हुए क्योंकि प्रेरणा तो उन्हें पहले ही मिल गई है वह कहाँ से मिली वह वहां से मिली जब उन्हें यह पता चल गया यह समझ आ गई कि जो संगठन के साथ वे जुड़े हैं जिस प्रबंधक के साथ वे जुड़े हैं वे उनके बारे में चिंता करता है उनके बारे में सोचता है और अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और उन जिम्मेदारियों का निर्वाहन करता है इसके अलावा अगर मैं दूसरी बात करूं कि क्यों ज़रूरी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामाजिक उत्तरदायित्व तो वह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंपनियों को यह अधिक विपणन योग्य बनाता है यानी कि ज़्यादा मार्केटेबल बनाता है अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि जब आप सामाजिक जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं तो एक अच्छी छवि आपकी आपके ग्राहकों की नजर में आपके इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स की नजर में आपके पोटेंशियल कस्टमर्स की नजर में अच्छी बनाता है और जब वे अच्छी बनाता है वह तो अच्छी कैसे बने क्योंकि आप शायद समाज के लिए कुछ कुछ जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे थे जिससे आपका बहुत गुणगान हुआ तो आपको यह इजीली मार्केटेबल या विपणन योग्य बनाता है जिसमें आपको बहुत कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने आप ही आपकी व्यवसाय आपकी सामाजिक या समाज के प्रति किए गए कार्य आपको मार्केटेबल बना देते दे हैं और सिर्फ यही नहीं जब आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाहन अच्छे से करते हैं तो यह और ज्यादा इन्वेस्टर्स यानी कि निवेशकों को आपकी तरफ आकर्षित करते हैं कैसे वह ऐसे कि जब निवेशक देखते हैं कि आपके कंपनी की आपके व्यवसाय की छवि बड़ी अच्छी है ग्राहक उसे पसंद करते हैं आपके कर्मचारी आपको पसंद करते हैं तो जब आपके ग्राहक और कर्मचारी दोनों ही आपको पसंद कर रहे हैं तो आपका व्यवसाय तो जाएगा पक्का लाभ की तरफ ही और जब लाभ की तरफ जाएगा तो निवेशकों को इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी इससे अच्छा अवसर क्या मिल सकता है इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या महत्व है तो यह है। आपको दीर्घायु करता है आपके व्यवसाय को दीर्घायु करता है कैसे वह ऐसे क्योंकि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट आपको मिलता है आप सोच के देखिए आपने अपने व्यवसाय में रहते हुए कोई कैंसर हॉस्पिटल खोला जिसमें बहुत ही मिनिमम खर्चे पर न्यूनतम खर्चे पर लोगों का इलाज होता है तो यह जो चीज आपने की समाज के लिए यह आपको यह नहीं कि एक ही दिन का इंटरेस्ट देगी या एक ही दिन का फायदा देगी क्योंकि इस चीज के थ्रू आप सालों साल सालों साल लोगों की मदद कर रहे हैं तो यह तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है आपके लिए साथ ही साथ आपको यह भी देखता है जब हम बात करते हैं तो यह आपकी पब्लिक इमेज यानी कि सार्वजनिक छवि जो है वह सुधारता है और समाज के प्रति आपको और जागरूक भी करता है तो यह तो थे इसके महत्व आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम को कैसे किस प्रकार आप प्रभावी बना सकते हैं तो प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको शीर्ष प्रबंधन शीर्ष प्रबंधक का समर्थन चाहिए यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजर्स का समर्थन चाहिए आप मध्यम स्तर पर रहते हुए या लोअर लेवल पर रहते हुए आप कितनी भी अच्छी नीतियाँ बना लें समाज सुधार के लिए लेकिन अगर आपके पास अपने उच्च स्तर के प्रबंधकों का या टॉप लेवल मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं है समर्थन नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार हम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमों को प्रभावी बना सकते हैं तो दूसरी चीज है प्रबंधकीय प्रक्रिया में सामाजिक जिम्मेदारी का संसाधीकरण यानी कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजरल प्रोसेस अपने प्रोसेस में अपने प्रबंधन की प्रक्रियाओं में आप लेकर आइए कि आपको समाज के लिए कुछ करना है जब आप अगर मैं केमिकल इंडस्ट्री की बात करूं जब आप ये सोच रहे हैं कि आपके केमिकल इंडस्ट्री का वेस्ट किस तरीके से ड्रेन किया जाएगा तो वहां पर आप अपनी मैनेजरियल तकनीकें लगाइए कि, कि किस प्रकार से अच्छे तरीके से जहां पर पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और काम भी हो जाए तो ये क्या हुआ आपने कही कहीं ना कहीं सामाजिक जिम्मेदारी को अपने मैनेजरियल प्रोसेसेस में आप ले आए इसके साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम के प्रदर्शन को मापना बहुत जरूरी है यह देखना बहुत जरूरी है कि उसका फायदा क्या मिला जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कुछ लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए पेड़ बचाओ आंदोलन के अंतर्गत एक दिन सौ पेड़ लगा देते हैं लेकिन अगले दिन जिस जगह पर उन्होंने वो सौ पेड़ लगाए वे उधर मुड़के भी नहीं देखते तो ऐसे सामाजिक कार्यक्रम का या ऐसी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का फायदा क्या है तो हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि जो जिम्मेदारी की हम बात कर रहे हैं या जिसका हम निर्वाहन कर रहे हैं क्या उससे कुछ प्रभाव आया है लोगों की जिंदगी में लोगों के आचरण में अगर कोई प्रभाव नहीं आया आप सिर्फ करने के लिए काम कर रहे हैं तो वह सही मायनों में सही तरीके से सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाहन नहीं है तो चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे सामाजिक जिम्मेदारी की अप्रोचेस की तो पहली अप्रोच होती है ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि प्रतिरोधी अप्रोच प्रतिरोधी दृष्टिकोण जिसमें जो व्यवसाय होता है उसके लिए सामाजिक जिम्मेदारी कोई मायने नहीं रखती वे अपने व्यवसाय को सिर्फ लाभ के या आर्थिक संसाधनों के दिमाग में रखते हुए ही करता है और अगर उसे कोई कहता भी है या कोई उसके अगेंस्ट पिन पॉइंट भी करता है कि आपने सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाहन नहीं किया तो वह उसके बारे में ध्यान भी नहीं देते सोचते भी नहीं और ऐसी आवाज़ों को वो बंद करना चाहते हैं तो ये होता है प्रतिरोधी दृष्टिकोण एक होता है बचाव का दृष्टिकोण कि हाँ आपके व्यवसाय में अभी भी सामाजिक जिम्मेदारी को लेते हुए कोई बहुत रुचि नहीं है लेकिन आप अपना कार्य इस हिसाब से करते हैं कि आपके अगेंस्ट आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ना हो बस इतना बस रख रखाव आप कर लेते हैं जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपकी कंपनी ने बहुत वेस्ट उत्पन्न किया लेकिन साथ ही साथ आपने यह देख लिया कि उस वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है जिससे कि आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन भी ना हो तो यह होती है बचाव यानी कि डिफेंसिव अप्रोच तीसरी होती है अनुकूली यानी कि अडेप्टिव अप्रोच कि आपने यह समझा कि आपके लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाहन करना जरूरी है आप उसका महत्व समझते हैं और महत्व समझते हुए आप ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कि समाज का भला होता है चाहे आपने ब्लड डोनेशन कैंप किया चाहे आपने ट्री प्लांटेशन कैंप किया चाहे आपने कोई हॉस्पिटल खोला तो यह सब होते हैं अनुकूली यानी कि अडेप्टिव क्योंकि आपको पता है कि समाज में रहते हुए यह जरूरी है तो आप उसका महत्व समझ रहे हैं और कर रहे हैं चौथा होता है प्रोएक्टिव अप्रोच यानी कि सक्रिय अप्रोच इस अप्रोच के तहत आप सामाजिक जिम्मेदारी को अपने प्रबंधन प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा बना लेते हैं जिससे कि सामाजिक उत्तरदायित्व आपके लिए अब कोई अलग से काम नहीं है वह अब आपके व्यवसाय का ही एक हिस्सा है इस तरीके की अप्रोच अगर कोई बिजनेस लेता है कोई व्यवसाय लेता है तो वह सबसे सकारात्मक अप्रोच होती है क्योंकि आपने उत्तरदायित्व को अपने बिजनेस प्रोसेसेस यानी कि अपने व्यापार व्यवसाय की प्रक्रिया में ही शामिल कर लिया है तो अब अपने आप ही चीजें हो रही हैं क्योंकि आपके विजन मिशन स्टेटमेंट्स में वो आ चुका है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोशल ऑडिट की यानी कि सामाजिक अंकेषण की किसी भी संस्था या कंपनी के सामाजिक दायित्वों एवं उसके कार्यों का मूल्यांकन ही सामाजिक अंकेषण है सोशल ऑडिट इस बात का आंकलन है कि कंपनी अपने लक्ष्यों या सामाजिक दायित्व के बेंचमार्क को कितनी अच्छी तरह हासिल कर रही है यह होता है सोशल ऑडिट जब हम सामाजिक अंकेषण के लाभ की बात करते हैं तो सहभागी स्थानीय नियोजन पर समुदाय को प्रशिक्षित करना ही इसका एक लाभ है साथ ही साथ स्थानीय लोकतंत्र को यह बढ़ावा भी देता है और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित भी करता है सिर्फ यही नहीं यह वंचित समूहों को लाभ भी पहुंचाता है और सामूहिक निर्णय लेने और जिम्मेदारियों को साझा करने को बढ़ावा भी देता है इसके अलावा अगर हम सामाजिक अंकेषण के लाभ की बात करें तो यह मानव संसाधन और सामाजिक पूंजी को पूरी तरह विकसित करता है तो कहीं ना कहीं जब हम सोशल ऑडिट यानी कि सामाजिक अंकेषण की बात करते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है यह हमें यह बताता है कि जो हमने सोचा है जिस प्रकार से हमने अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाहन को करने का सोचा था क्या हम उस प्रकार कर पा रहे हैं या नहीं अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कहाँ दिक्कत है साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कि सामाजिक अंकेषण को सफल बनाने के क्या उपाय हैं तो उसके लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि अंकेषण प्रक्रिया में प्रभावित हितग्राहियों को भी शामिल किया जाए तभी सोशल ऑडिट संपूर्ण रूप से संपन्न होता है अंकेषण संबंधी उद्देश्य कार्य प्रक्रिया लाभ आदि से हितग्राहियों और समुदाय प्रभावी ढंग से अवगत हो इसके अलावा जब हम अंकेषण की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो ये पारदर्शी होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए किसी से छुपी हुई नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर ये ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता होगी इसमें तो व्यवसाय कोई भी कार्य गलत ढंग से नहीं करेगा और किसी भी गलत चीज को वह छिपा नहीं पाएगा समाज से इसके अलावा अंकेषण कार्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी व्यक्तियों को शामिल करना होता है और तो और जब हम अंकेषण की बात करते हैं तो अंकेषण के परिणामों का पूर्णता क्रियान्वयन हो उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाए जैसा कि मैंने कहा कि जो भी परिणाम आए हैं देखा जाए समझा जाए कि व्यवसाय कहां सही है कहाँ अच्छा जा रहा है और कहाँ गलत जा रहा है जहां गलत जा रहा है हमें समझने की जरूरत है कि क्या सही करना है और कैसे सही करना है तो छात्रों यह था सोशल ऑडिट के बारे में यानी कि सामाजिक अंकेषण के बारे में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे व्यावसायिक नैतिकता की यानी कि बिजनेस एथिक्स जब हम व्यवसायिक नैतिकता की बात करते हैं तो व्यवसायिक नैतिकता व्यवसायिक नीतियों और प्रथाओं का अध्ययन है जिसमें कॉरपोरेट प्रशासन रिश्वतखोरी भेदभाव कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी आदि शामिल होता है प्रबंधकों द्वारा पालन किए जाने वाले नैतिक सिद्धांतों और आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट को संदर्भित करता है हमारा व्यवसायिक नैतिक नैतिकता जब हम व्यवसायिक नैतिकता यानी कि बिजनेस एथिक्स के निर्धारकों की बात करते हैं तो सबसे पहला निर्धारक होता है सामाजिक परिस्थिति आपके सोशल फैक्टर्स आपके सोशल फैक्टर्स जहां पर आप हैं जो आपकी सोसाइटी है जहां पर आपका व्यवसाय है वह निर्धारित करता है कि आप के लिए व्यवसायिक नैतिकता है क्या साथ ही साथ हमारे संस्कृति यानी कि कल्चरल फैक्टर्स आप किस संस्कृति से आए हैं आपके वैल्यूज क्या है मॉरल्स क्या है बिलीफ्स क्या हैं उसके आधार पर आपके व्यवसाय की नैतिकता यानी कि बिजनेस एथिक्स निर्धारित होते हैं इसके अलावा अगर मैं बात करूं राजनीतिक कारक की पॉलिटिकल फैक्टर्स जहां पर जिस जगह आपका व्यवसाय स्थापित है आपका बिजनेस सेटअप है वहां पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त सत्ता में है यह निर्धारित करेगा आपके बिजनेस एथिक्स अब आप कहेंगे यह कैसे किसी और पार्टी के हिसाब से तो देखिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होगी वह अपनी कुछ नीतियां लाएगी अपने नैतिक आचरण के हिसाब से अब उनका जो नैतिक आचरण है वह निर्धारित करेगा आपके व्यवसाय के नैतिक आचरण को क्योंकि वह जिस तरीके की नीतियां लाएंगे उन्हें आपको मान्य होना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं वह सरकार के थ्रू वह नीतियां आएंगी तो आपको मानना पड़ेगा तो जिस प्रकार उनका वो चेंज होगा वो बदलाव होगा उस पॉलिटिकल पार्टी में उस राजनीतिक पार्टी में वैसे वैसे आपके बिजनेस पर भी इम्पैक्ट आएगा साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स होते हैं देखिए ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज होते हैं लोग होते हैं उनकी क्या सोच है उनका क्या मानना है उस संगठन की क्या सोच है संगठन का क्या कल्चर है क्या संस्कृति है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है कि आपके व्यवसाय की क्या आपके व्यवसाय का नैतिक आचरण किस प्रकार का होगा सिर्फ यही नहीं इंस्टीट्यूशनल कोड भी उसी के बेसिस पर बनता है उसी के आधार पर बनता है इसके अलावा आर्थिक कारक यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स कभी कभी क्या होता है कि आप आर्थिक कारणों की वजह से शायद कोई चीज अच्छी करना चाहते हैं या मानते हैं कि वह चीज या उस चीज का आचरण इस तरह से ही होना चाहिए जो कि नैतिक आचरण कहलाएगा लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी की वजह से शायद आप उसको नहीं कर पाते हैं तो इस प्रकार आर्थिक कारक भी आपके नैतिक आचरण को प्रभावित करते हैं इसके अलावा जीवन में आपका कैसा अनुभव रहा बाकी आपके खुद के क्या मूल्य हैं और खुद की क्या सोच है नैतिक आचरण के लिए यह निर्धारित करती है कि आपके व्यवसाय का नैतिक आचरण कैसा होगा तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यह समझते हैं कि व्यवसायिक नैतिकता की, की आखिर जरूरत क्या है क्यों हम बिजनेस एथिक्स की बात आजकल इतना ज्यादा करने लगे हैं किसी भी व्यवसाय में एथिक्स या नैतिकता तो पहले से ही थी लेकिन आजकल हम क्यों इतना ज्यादा इसकी बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि पर्यावरण से दबाव आ रहा है क्योंकि हम अपने आधुनिकता की तरफ बढ़ने के लिए हमने पर्यावरण को इतना इस्तेमाल कर लिया अपने एनवायरनमेंट को इतना ऑक्यूपाई इतना यूज कर लिया है कि अब हमें सच में इसकी चिंता करनी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है पर्यावरण के लिए क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है साथ ही साथ जब हम क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए लोगों के दिमाग में व्यावसायिक नैतिकता की जरूरत होती है साथ ही साथ आपकी एक खुद की मॉरल कॉन्शियसनेस है जिसको आप सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट करते हैं व्यावसायिक नैतिकता के द्वारा इसके अलावा हाँ कई बार बहुत से बिजनेस सिर्फ इसलिए व्यवसायिक नैतिकता की बात कर रहे हैं क्योंकि वह है कानूनी दबाव में कार्य कर रहे हैं तो ये अलग अलग नीड है अलग अलग आवश्यकता है किसी भी व्यवसाय को व्यापार को नैतिक आचरण करने की चलिए अब जल्दी से हम बात जिस पर करेंगे हम बात करेंगे नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन से उपकरण हैं कौन सी टेक्निक्स हैं कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं किस प्रकार आप अपने व्यवसाय में नैतिक प्रथाओं को एथिकल प्रैक्टिसेस को बढ़ा सकते हैं और पूर्ण रूप से अपने व्यवसाय को नैतिकता के आचरण में चला सकते हैं तो सबसे पहला चीज है आप मिशन स्टेटमेंट्स बनाइए और आपके मिशन स्टेटमेंट्स प्रभावित होने चाहिए नैतिक आचरण से सिर्फ यही नहीं आपकी कोर वैल्यूज क्या है आपके बुनियादी मूल्य क्या हैं बिलीव्स क्या हैं, सोच क्या है अगर उसमें आप एथिकल और अनएथिकल होने की बात करते हैं तो यह आपके व्यवसाय की नींव में आ जाता है इसके अलावा आप इस तरीके की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाइए जहां पर आप फेयरनेस की बात करें समानता की बात करें स्पष्टता की बात करें अपने कर्मचारियों अपने इन्वेस्टर्स अपने शेयर होल्डर्स अपने निवेशकों अपने ग्राहकों को लेकर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक कोड ऑफ कंडक्ट हमें बनाना चाहिए यानी कि आचार संहिता बनानी चाहिए कोड ऑफ एथिक्स बनाना चाहिए जिसको हमें पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए साथ ही साथ ग्रीवियंस हैंडलिंग मैकेनिज्म होना चाहिए देखिए यहां पर हम जब शिकायत की बात कर रहे हैं तो यह शिकायत किसी व्यक्ति की शिकायत की बात नहीं हो रही यहां पर बात हो रही है कि कोई ऐसी परेशानी जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को आपके बहुत सारे कर्मचारियों को दिक्कत में डाल रही है उस ग्रीवियंस की बात हम यहां पर कर रहे हैं तो इस प्रकार का मैकेनिज्म बनाइए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आप शिकायत दर्ज करें इसके अलावा दुविधा संकल्प कार्यशालाएं यानी कि डायलेमा रेजोल्यूशन वर्कशॉप अब देखिए जब हम बात करते हैं ना नैतिकता की यानी कि एथिक्स की तो एथिक्स अपने आप में बड़ा ही कंफ्यूजिंग है दुविधाजनक है अब अगर हम एक चोर की बात करें तो वह चोरी कर कर अपना पैसा कमा रहा है वो कहता है कि मेरा आचरण सही है क्योंकि मैं अपने बच्चों का पेट भर रहा हूं तो क्या वह आचरण सही है नहीं लेकिन वह जिस दुविधा में है कि किस प्रकार वो अपने बच्चों का पेट भरे तो उसको लगता है वही सब सही है तो देखिए जब हम मैं ये नहीं कह रही कि उसका आचरण सही है लेकिन जिस बात पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ वह यह है कि हर इंसान के साथ क्योंकि हम अलग अलग इंसान हैं हमारे अलग अलग व्यक्तित्व हैं हमारी अलग अलग धारणा है सोच है तो इसी वजह से हमारे अलग अलग तरीके के मॉरल वैल्यूज़ मॉरल प्रिंसिपल्स के आधार पर हमारा नैतिक आचरण बदल जाता है तो बड़ा ही कंफ्यूजन होता है हमें समझ नहीं आता हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि यह सही है या गलत है उदाहरण के तौर पर अगर आपको एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ रहा है सरकार के सामने अपने व्यवसाय को बचाने के लिए या अपने व्यवसाय को हानि ना होने से बचाने के लिए तो अब आप वो आपको बोलना चाहिए कि नहीं क्योंकि थोड़ी देर पहले तो हम बात कर रहे थे कि सरकार के लिए सरकार को हर चीज़ आपको सही रूप से सही तरीके से बतानी चाहिए तो यह क्या हुआ यह एक दुविधाजनक सिचुएशन आ गई जहाँ पर आप दुविधा में हैं तो हमें अपने कर्मचारियों के लिए डायलेमा रेजोल्यूशन वर्कशॉप्स लेकर आनी चाहिए जिसमें हमें जो लोग इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट हैं विशेषज्ञ हैं वह हमें समझाएं कि किस प्रकार हम सही निर्णय ले पाए इसी के साथ साथ हमें ऑम्बर्ड्स पर्सन की नियुक्ति करनी चाहिए पर्सन एक तरीके से आप यह कह सकते हैं एक्सटर्नल पार्टी होती है जो कि अगर किसी व्यवसाय में कुछ गलत हो रहा होता है उसको वह सबके सामने समाज के सामने लेकर आते हैं हां उनकी बहुत ज्यादा अधिकार नहीं होते लेकिन फिर भी उनकी यह कोशिश बहुत ही अच्छी रहती है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई व्यवसाय गलत ढंग से अपना व्यवसाय चला रहा है और यह बात पूरे तथ्यों के साथ सबके सामने आती है तो उस व्यवसाय को परेशानी होती है और व्यवसाय को शायद वह गलत चीजें सही भी करने का प्रेशर दबाव बनता है साथ ही साथ यह तो हुआ था कि हम किसी एक्सटर्नल पार्टी को बाहरी पार्टी को बाहरी इंसान को नियुक्त कर रहे हैं यह देखने के लिए कि, कि किसी व्यवसाय में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही एक होता है एक तरीका होता है एक तरीका होता है जिसमें आप अपने ही व्यवसाय में अपने ही बिजनेस में विसल विसल को आगे बढ़ाएं। अब पहले मैं आपको बताऊंगी विसल ब्लोअर कौन होता है विसल ब्लोअर होता है जो आपके व्यवसाय में अगर कुछ गलत हो रहा हो तो वह उच्च स्तर के प्रबंधकों के सामने वह बात को लेकर आए वह बात को लेकर आए अब एक और तरीका होता है विसिल ब्लोअर वह इंटरनल मतलब कि आंतरिक ना होते हुए वह है तो आपका ही कर्मचारी लेकिन जो भी दिक्कतें या जो भी गलत तरीके आपके व्यवसाय में इस्तेमाल हो रहे हैं वह बाहर बाहरी तत्वों को इस बारे में बताएं देखिए जब सबसे पहली बात तो यह है कि आपको अपने व्यवसाय में खुद ही विसल ब्लोअर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए क्योंकि अगर वह आपके सामने आपके परेशानियों को या गलतियों को बताएंगे तो शायद आप आसानी से उन्हें सही कर सकते हैं तो विसल ब्लोअर का भी बेहद ही महत्वपूर्ण रोल होता है किरदार होता है किसी भी व्यवसाय में तो प्रिय छात्रों मैं समझ पा रही हूं कि इस सत्र में आपको सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा समझ आई होगी साथ ही साथ हमने इस पर भी बात करी कि आज के कारोबारी माहौल में सामाजिक ज़िम्मेदारी का क्या महत्व है और विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व रणनीतियाँ क्या होती हैं सामाजिक अंकेषण क्या होता है और हमने इसमें व्यवसायिक नैतिकता की अवधारणा को समझा और साथ ही यह भी समझा कि किस प्रकार नैतिकता व्यवसाय के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो आशा करती हूं प्रिय विद्यार्थियों आपको आज का व्याख्यान अच्छे से समझ आया होगा धन्यवाद